लंबे समय से विवादों का विषय बना राम मंदिर का मुद्दा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले अचानक दब गया। क्या यह सिर्फ मोदी लहर का नतीजा था या फिर बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? ये सवाल उत्तर प्रदेश में कट्टर हिंदूवादियों से लेकर राजनीतिक पंडितों के बीच में घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अली और बजरंगवली वाले बयान की चाहे जितनी भी आलोचना हुई हो, लेकिन एक बात पर सभी राजनीतिक पंडित एकमत हैं कि योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दे को चुनाव के दौरान ठंडा रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। लंबे समय से विवाद का विषय बना राम मंदिर का मुद्दा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले अचानक दब गया। साधु संतों से लेकर हिंदूवादियों तक को काबू में रखने के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े शस्त्र साबित हुए। ये एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा चुनाव जिसमें मंदिर का मुद्दा ऐसा हो गया कि साधु संत भी मंदिर छोड़कर पहले मोदी की बात करने लगे। अयोध्या में अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदूवादी संगठनों और शिवसेना तक ने चुनाव से पहले मंदिर की तारीख बताने को लेकर आसमान सिर पर उठा लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके सभी शांत होते चले गए और पूरे चुनाव में ऐसा लगा जैसे राम मंदिर तो इस देश में मुद्दा कभी रहा ही नहीं। लेकिन अब एक बार फिर राम मंदिर को लेकर आवाज उठी है। दरअसल बीजेपी को लगातार दूसरी बार मिले प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जबरदस्त उत्साह है। उदयपुर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी इस उत्साह को साफ समझा जा सकता है। भागवत ने कहा कि राम का काम करना है तो राम का काम होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी निगरानी भी करनी होगी। जाहिर है मोहन भागवत ने इस तरह अयोध्या में राम मंदिर की बात की है। बातों की हमको प्रतीक्षा है, उसके लिए पुरुषार्थ हम करें, उसके लिए प्रेरणा ग्रहण करने वाले ऐसे केंद्रों की देखभाल करें, रचना करें, उनको अच्छा बनाए, इसका कर्तव्य भी हमको साथ साथ करना है। वास्तव में हमको जागरूक है और काम करना है। राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते आत्मा राम तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। और इसलिए दुनिया का इतिहास और दुनिया का वर्तमान भी अपने को ये बताता है कि जिस देश के लोग सजग रहते हैं, सक्षम रहते हैं, शीलवान रहते हैं, बलवान रहते हैं और सक्रिय रहते हैं, उस देश का भाग्य निरंतर आगे आगे दौड़ता है। वैसे भी संघ शुरू से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पैरोकार रहा है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलन भी चलाए हैं। यही नहीं, संघ मौजूदा बीजेपी सरकार पर दबाव भी बनाता रहा है कि किसी उचित फैसले के तहत राम मंदिर का निर्माण हो सके। हालांकि मोदी सरकार ये मसला अदालती फैसले के जरिए निपटाना चाहती है। अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर बने या नहीं, फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।